राज्य के हस्तशिल्प व हथकरघा को विश्व में बाजार देने के लिए ओरियन प्रो के ग्लोबल हेड स्नेहल पंडित और एडिमांटर के संचालक तरुण पंत के बीच करार हुआ है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुड़ा ने देहरादून के होटल में wowhandicraft.com का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार मदद करेगी, स्वरोजगार से पलायन भी रुकेगा। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जितेंद्र मुदलियार ने किया। दून बलोनी क्रिकेट ग्राउंड देहरादून में सचिवालय क्रिकेट क्लब एवं उत्तरांचल प्रेस क्लब के बीच 16-16 ओवरों का एक मैच खेला गया। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए। वहीं सचिवालय क्रिकेट क्लब की टीम ने 13.1 ओवरों में 4 विकेटों के नुकसान पर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इस तरह सचिवालय क्रिकेट क्लब ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। इस अवसर पर उत्तरांचल प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रश्मि खत्री, संप्रेक्षक मनोज जाड़ा, खेल समिति के सदस्य देवेंद्र सिंह नेगी, गौरव गुलेरी आदि उपस्थित थे। अब प्रत्येक सरकारी संस्था गल्ला की दुकान में गुणवत्ता युक्त राशन दिया जाएगा। खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल ने बताया कि योजना के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में मिलने वाले चावल पूरी तरह से पौष्टिकता से भरपूर होगा। वहीं लोगों को फोर्टिफाइड राशन ही बांटे जाएंगे, जिससे कि पौष्टिक आहार के रूप में खाद्यान्न आम जनता को उपलब्ध किया जा सके। कुपोषण से हमारा कुपोषण के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसके अंतर्गत जनपद में 1 अप्रैल से सभी उपभोक्ताओं को फोर्टिफाइड चावल यानी कि पौष्टिक आहार का चावल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करा दिया गया है। और माह अप्रैल के उपरांत जो भी राशन की दुकानों से खाद्यान्न, चाहे वो अनुपूरक खाद्यान्न हो, चाहे MDM हो, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत खाद्यान्न हो, फोर्टिफाइड चावल ही उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को विशेष निर्देश हैं कि केवल गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न ही वो वितरण करेंगे, चाहे वो गेहूं हो चाहे चावल हो। उसका 100% पहले वो संतुष्ट हो लेंगे कि वो पूर्ण गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न है, उसी के बाद उपभोक्ताओं को वितरण किया जाएगा। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व से ही ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में गुणवत्ता या मानक रहित खाद्यान्न वितरण होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई पूर्व में की भी गई है और भविष्य में भी की जाएगी। थाना सल्ट पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने नैल कमान तिराहा सल्ट पर चेकिंग के दौरान वाहन होंडा सिटी कार संख्या को रोका। कार में सवार एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर सवार 2 अन्य व्यक्तियों के कब्जे से 3 कट्टों में कुल 31.600 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिस पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सल्ट में NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में फरार अभियुक्त का नाम ज्ञानी निवासी काजीपुरा मुरादाबाद है, जिसकी तलाश जारी है। तीनों अभियुक्त गांजे को चिचौन सल्ट से रामनगर तराई की तरफ ऊंचे दामों में बेचने के लिए ले जा रहे थे। मसूरी देहरादून मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस दुर्घटना के बाद मसूरी के लोगों में परिवहन निगम के खिलाफ लगातार आक्रोश पड़ रहा है। इसी कड़ी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने मैसानिक लॉज स्थित उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टैंड पर परिवहन निगम के खिलाफ धरना दिया व जमकर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहर कांग्रेस ने परिवहन निगम के कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांग की कि मसूरी देहरादून मार्ग पर हुई दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को नौकरी दी जाए व घायलों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही कहा कि अगर भविष्य में बसों में सुधार नहीं किया गया तो शहर कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के साथ ही बसों को रोकेगी। तेज बस चलाने पर बसों को रोका जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले एक इतनी बड़ी रोडवेज की दुर्घटना हुई जिसमें हमारे 2 स्थानीय लोग के परिवार की माँ और बेटी की मृत्यु वहाँ पे तत्काल हो गई। और जिस प्रकार रोडवेज की जो बसें हैं जो बिल्कुल खटारा जो हो जाती है रोडवेज की बसें, उनको पहाड़ों में झोंक दिया जाता है कि आप उन बसों को आप पहाड़ों पर चलाइए। कभी यहाँ पे ब्रेक फेल होते हैं, कभी टायर ब्लास्ट होते हैं, कभी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाती है। आए दिन ये दुर्घटनाएँ हो रही हैं। सरकार का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है, जबकि ये पर्यटन नगरी है मसूरी। यहाँ पर तो पर्यटन नगरी मसूरी के साथ साथ पूरा जो देहरादून से ऊपर का इलाका है वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त बसें चलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं उनकी भी नियमित जांच होनी चाहिए कि जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं उससे पहले उनकी अल्कोहलिक जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने अल्कोहल का सेवन तो नहीं कर रखा है। कई बार देखने में आया है कि अल्कोहल पीकर वो लोग बसें चला रहे हैं और जो इतने रोडवेज में जो बैठे हुए लोग हैं, मतलब जो सवारी है उनकी जान से खेल रहे हैं। तो हमारी तो धामी सरकार और परिवहन मंत्री से यही मांग है कि जिन स्थानीय लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के आश्रित जनों को यहाँ पर सरकारी नौकरी दी जाए रोडवेज में, और जो
दुर्घटनाओं में जिनके चोटें आई हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए और आने वाले समय में मसूरी रूट पर दुरुस्त बसें चलाई जाए। अगर कोई भी खटारा बस और तेज़ रफ्तार से जो चालक बस चलाते हुए हमें दिखा तो हम उस बस को वहीं रोक देंगे, हम उस बस को इस रूट पे नहीं चलने देंगे। कई समय से मसूरी में हम और आप लोग देख रहे हैं कि कई हादसे हो चुके हैं, कई मौतें भी हो चुकी है, जिसकी पूरी लापरवाही रोडवेज के कर्मचारियों की, उनके ड्राइवरों की होती है और इसके खिलाफ आज तक कोई धरना प्रदर्शन क्या कोई संगठन द्वारा कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई मांग नहीं उठी है, जिसको लेकर आज मसूरी के जन आक्रोशित हुए हैं और ये जवाब जानना चाहते हैं रोडवेज से कि इनके ऊपर कार्रवाई कब तक होगी और ये मौतों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए ना। कोई अधिकारी आज तक यहाँ आकर ये नहीं बताया है कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। बसों की हालत ठीक नहीं है, ड्राइवरों का व्यवहार ठीक नहीं है, नशे में ये गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इसके मतलब इसके निवारण के लिए ये जो निगम है परिवहन निगम ये क्या कार्रवाई कर रहा है इसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला और ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी, आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इनके आला अधिकारी आकर हमसे बातचीत न करें, हमें कोई ठोस आश्वासन न दें कि आगे इनके ऊपर कार्रवाई होगी और ये 18 बसों को यहाँ से हटाया जाएगा। ये मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन का एक कॉल किया गया था और ये धरना जो था ये उत्तराखंड परिवहन निगम की लापरवाही को लेकर और हाल ही में हुई मसूरी में बस दुर्घटना को लेकर था, जिसमें हमारी दो महिला साथियों ने नागरिकों ने अपनी जान दे दी। हमारी मांगे साफ सुथरी हैं। सर्वप्रथम जो उत्तराखंड परिवहन निगम है इनको ड्राइवरों की लापरवाही पर अंकुश लगाना पड़ेगा। ड्राइवरों को जब ये ड्यूटी पर आते हैं इनका ठीक प्रकार से नशे का चेकअप होना चाहिए। ड्राइवर्स को किसी भी भांति किसी भी रूप में नशे में गाड़ी नहीं देनी चाहिए। परसों का जो पूरा व्याख्यान अगर आप सुने किसी पर्यटक से या किसी नागरिक से तो ये बताएंगे कि ड्राइवर नशे में थे। परिवहन निगम की अधिकांश बसें टूटी हुई हैं, पुरानी हैं, ख़राब हैं, लेकिन ये पुराने टायरों के बावजूद पुरानी बसों के बावजूद ये बसें चला रहे हैं, जो मसूरी के नागरिकों और पर्यटकों के साथ एक छल है, कपट है और मसूरी की नागरिकों को जान का खतरा है, लेकिन प्रदेश सरकार प्रशासन इसके बारे में कोई सुध नहीं ले रहा। साथ साथ बसों में पानी चूता है, बसों की सुविधा मसूरी के नागरिकों को और पर्यटकों को नहीं मिल पाती। हर आधे घंटे में बस की होनी सूचना, बस चलनी चाहिए पिच्चा पैलेस से देहरादून और बालोगंज होते हुए झड़ी पानी होते हुए और ऐसी किताबगढ़ से भी बालोगंज झड़ी पानी होते हुए हमारे बालोगंज झड़ी पानी के साथियों को अपना सहयोग देते हुए अपना सर्विस देते हुए बसें देहरादून तक संचालन होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। और ये बसों में पुरानी ख़राब बसों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि जितनी पुरानी पुरानी बसें होती हैं ये मसूरी रूट पर लगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जनता आज तक जागरूक नहीं थी, पर आज हमने चेतावनी दे दी है कि अगर इस प्रकार की दुर्घटना दोबारा होती है तो मैं और मेरे साथी इस परिवहन निगम के दफ्तर को जो मसानी लॉज पर स्थित है इसको बंद कर देंगे और बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद करने पर मसूरी की जनता उतारू हो जाएगी अगर मसूरी की जनता की जाने इसी प्रकार से जाती रहेंगी। साथ साथ हमने ये भी निवेदन कर दिया, चेता दिया है कि मसूरी में हर आधे घंटे में हमें सर्विस चाहिए बालों को झड़ी पानी होते हुए और मसूरी से बसें समस्त पर्यटक स्थल पर जो उत्तराखंड के हैं, जिससे कि जो मसूरी का पर्यटन आए वो दूसरे स्थल से यहाँ का दूसरे स्थल पर नैनीताल हो, रानीखेत हो, अल्मोड़ा हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, लैंसडाउन हो, पौड़ी हो, समस्त जगह पर नैनबाग हो, चक्रौता हो, विकास नगर हो, समस्त रूटों पर बस चलनी चाहिए और अगर ऐसा संचालन परिवहन निगम नहीं कर पाता है तो हमें ऐसा परिवहन निगम चाहिए ना ही ऐसा प्रशासन चाहिए, इसकी हमने साफ चेतावनियां दे दी है। धरना हमने जो रखा है वो अभी दो दिन पहले जो यहाँ पे बस दुर्घटना हुई है उसमें मसूरी की लोकल जनता थी, जिसमें की दो मौतें हुई है, एक माँ और एक बेटी की। तो देखिए मसूरी की जनता रोज आना जाना उनका सुबह शाम लगा रहता है, जिस वजह से रोज ना रोज हमें जन हानि तो होती है इस चक्कर में। और क्या बोलते हैं, ये जो इन्होंने इनका जो प्रशासन की तरफ से जो ये ढिलाई है ये बहुत बेकार है। एक तो इनके जो ड्राइवर होते हैं वो ड्राइवर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ढंग से गाड़ी चलाना नहीं जानते या नशे में ज़्यादातर रहते हैं, कभी को गुटखा खा रहे, कभी बीड़ी पी रहे। जिस जैसे यहाँ पे देखे ये हिल स्टेशन है तो यहाँ पे मोड़े बहुत होती हैं, प्लेन्स की तरह सीधा सीधा रास्ता तो है नहीं, जिस वजह से ये दुर्घटनाएं एक छोटी सी गलती से भी दुर्घटनाएं हो सकती है जिससे जनहानि होती है और मसूरी वासियों को ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन से यही अपील करी जा रही है कि अच्छे चालक रखें, गाड़ियों की जो दशा है उन्हें सुधार के रखें, उसमें सुधार रखें और बहुत सारी जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं कृपया करके उन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकथाम दीजिए।
उत्तराखंड राज्य के संस्कृत विद्यालयों महाविद्यालयों में कार्यरत 126 प्रबंधकीय संस्कृत शिक्षकों द्वारा उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा निदेशालय हरिद्वार के परिसर में संस्कृत शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले अधिकारियों की बुद्धि को पटरी पर लाने के लिए धरना प्रदर्शन और बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। आपको याद है कि 126 शिक्षकों की मांग को मुख्यमंत्री धामी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में अनुमोदित कर दिया गया था। कई बार शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया गया लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 126 शिक्षकों को मानदेय प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री के अनुमोदन वाला शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। राम अखाड़े का पूरा समर्थन है इन बच्चों के साथ, और जहां तक लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ पूरी लड़ाई लड़ेंगे और सच के साथ लड़ेंगे। बड़ा दुर्भाग्य इस देवभूमि का जहां हमारे बच्चों के लिए संस्कृत विद्यालय बने हुए हैं, इनका अध्यापक को जो रख रखा है इनको वेतन नहीं दिया जा रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। एक तरफ दूसरे मजहब की मस्जिदों में मौलवियों को मदरसों को ये खुलेआम हर महीने उनका वेतन पहुंचाते हैं और हमारे संस्कृत स्कूलों को वेतन काटते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य सरकार के लिए नहीं है। कहने को हिंदूवादी सरकार है और हिंदूवादी सरकार हमारे संस्कृत विद्यालयों को नष्ट करने का प्रयास करा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन बच्चों का साथ दीजिए, हमारी परंपरा को बढ़ाइए, और हमारी परंपरा में नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे कहां संस्कार लेंगे? क्या इन मजारों में जाके लेंगे? क्या इन मदरसों में जाके लेंगे? जो हम देव भूमि में रहते हैं, देवताओं का प्रसन्न करते हैं, देवताओं के नित्य पूजा करते हैं, ऐसे विद्यालयों को आप तनख्वाह नहीं देंगे? आपके अधिकारी गुमराह करेंगे इन्हें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप तत्काल इस पे लगाम नहीं लगाते और इनको वेतन नहीं देते तो आने वाले समय में आंदोलन और विशाल होगा और सीएम आवास भी घेरने का हम प्रयास करेंगे। मैं आप मीडिया के माध्यम से सरकार और शासन और प्रशासन तक अपने यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा जो प्रबंध समिति का 126 शिक्षक हैं वह भी 155 के समान ही कार्यरत हैं, और मेरा आपके माध्यम से शासन और प्रशासन से यह निवेदन है और मैं ये मांग रखता हूं कि जैसे 155 को मानदेय की सूची में शामिल किया गया है, हमको भी उनके साथ सूची में शामिल करके सीधा तदर्थ हमको नियुक्त किया जाए 155 और 26 को एक साथ मिला के, क्योंकि शासन और प्रशासन बार बार एक बात पूछता है पद कितने हैं, तो अभी उत्तराखंड में 436 पदों का डाटा हमारे पास भी है, शासन के पास भी है, जिसमें से मात्र 147 शिक्षक ही कार्यरत हैं विद्यालय और महाविद्यालय में, बाकी सारे पद खाली पड़े हुए हैं। 155 जो मात्र हमारे अग्रज हैं वो मानदेय के लेकर कार्यरत कर रहे हैं उनमें, अगर उनको आप सम्मिलित कर लेते हैं और हमको भी सम्मिलित कर लेंगे तो भी विभाग के पास इतने पद हैं कि रिक्त पड़ जाएंगे, और बार बार विभाग के पास जब भी सूची जाती है 126 की तो एक ही बात कह देते हैं कि पद नहीं है, जबकि हमारे पास डाटा है, हम विद्यालय से बना के भेज रहे हैं, शासन के पास भी है, प्रशासन के पास भी है, लेकिन घूम फिर कर वो एक ही बिंदु पे बात ले आते हैं कि पद नहीं है, इसलिए हम आपको मानदेय की सूची में शामिल नहीं कर सकते। चंडी चौदस के अवसर पर सिद्धपीठ मां चंडी देवी के दर्शनों को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने घर में तैयार प्रसाद का भोग मां चंडी को लगाया। इस मौके पर प्रशासन ने मंदिर प्रांगण में समूची व्यवस्था की थी और मां चंडी देवी परमार ट्रस्ट ने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान की।